आगे किसानों के लिए बड़ा अपडेट यहाँ पर आने वाला है। और मैं आपको बता दूँ, आज पीएम मोदी आप देख सकते हैं जो कि लाइव हैं और ये सीधे जम्मू कश्मीर से हैं और यहाँ पर किसानों के लिए बहुत बड़े अपडेट यहाँ पर देने वाले हैं। यहाँ पर हो सकता है कि आपका किसान जो किसान क्रेडिट कार्ड है वो भी माफ हो सकता है। दूसरा बड़ा फैसला आपके लिए यहाँ पे बहुत बड़ा अपडेट आने वाला है। किसानों के लिए काफी बड़े अपडेट यहाँ पे आएंगे। अगर आप यहाँ पर किसान हैं और आपके लिए इन योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है, यहाँ पे बड़ा भाषण देने वाले हैं और जिसमें आपके लिए काफी बड़ा अपडेट यहाँ पर मिल सकता है। यहाँ पर किसानों का 3 लाख रुपए तक का जो कर्ज है वो माफ यहाँ पर हो सकता है। और साथ में हम आपको बता दें, अगर आपके पास राशन कार्ड है और आप गल्ला लेते हैं तो उसके रिकॉर्डिंग भी यहाँ पे बड़ा अपडेट आ गया है। क्योंकि यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, आप अगर पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेते हैं तो भी आपके लिए बड़ा अपडेट है। अभी तक आपको 6,000 रुपए मिलते थे। यहाँ पर आपको पता होगा, जब पीएम मोदी ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 7वीं किस्त जारी करी थी तो आपको पता होगा कि वहाँ पे ऐलान किया था कि किसानों की आय डबल होगी। तो हो सकता है अगले साल से आपको 6,000 की जगह 12,000 रुपए भी मिल सकते हैं। और साथ में मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा किसान भाइयों, अगर आप राशन लेते हैं तो आपके लिए भी बड़ा अपडेट है। अभी आपको 5 रुपए यानी 1 किलो पे 5 यूनिट मिलता है, तो आप अपना 5 यूनिट पे 1 किलो मतलब 1 यूनिट पे 5 किलो राशन आपको मिलता है, तो आपके लिए बड़ा अपडेट है। यहाँ पर अगले साल से आपको मिल सकता है 10 किलो राशन। तो यहाँ पर बहुत बड़े बड़े अपडेट निकल कर आ रहे हैं किसान भाइयों। हम सब आपको लाइव प्रूफ के साथ में यहाँ पर दिखाने वाले हैं और आपके लिए गुड न्यूज है। अब किसानों का कर्ज जो है वो होगा माफ और किसानों का जो भी है उनकी आय भी यहाँ पर बढ़ाई जाएगी। और जो कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना में पैसे उनको 6,000 रुपए मिलते हैं तो यहाँ पर 12,000 रुपए भी यहाँ पर मिलेंगे। देश भर के किसानों के लिए बहुत बड़ा अपडेट यहाँ पर आ चुका है और जो भी किसान भाई इंतजार कर रहे हैं तो बेसब्री से आज का बड़ा अपडेट यहाँ पर आ चुका है और बुकिंग न्यूज है। किसानों का होगा कर्ज माफ और यहाँ पर किसानों के लिए अब मिलेंगे पीएम किसान सम्मान निधि योजना में 12,000 रुपए। और जो कि राशन की बात की जाए तो राशन भी आपको यहाँ पर अब तक 1 यूनिट पे 5 किलो मिलता था, अब यहाँ पर 10 किलो भी आपको यहाँ पर मिल सकता है। तो बहुत बड़ा अपडेट यहाँ पर किसान भाइयों आ चुका है, बहुत बड़ी गुड न्यूज है। हम सब कुछ आपको लाइव प्रूफ के साथ में दिखाने वाले हैं और आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री लाइव है। तो यहाँ पर गुड न्यूज है। यहाँ पर जब पीएम किसान सम्मान निधि योजना में जबकि 3री बार प्रधानमंत्री यहाँ पर बने तो साथ में किसानों के लिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना की जो 7वीं किस्त है उसका ऐलान कर डाला और 18 जून 2024 को उसको रिलीज कर दिया, जो कि यहाँ पर 9.3 करोड़ किसान भाइयों के बैंक खाते में ट्रांसफर किया था और उनका मैसेज भी उनके खातों में आना स्टार्ट हो गया है। तो अब यहाँ पर किसानों की आय बढ़ेगी और यहाँ पर कर्ज माफ को लेके काफी बड़ा अपडेट यहाँ पर आ चुका है, जो कि कर्ज आपका यहाँ पर माफ हो सकता है। अगर आपने बैंक से कर्ज लिया है और 3 लाख रुपए का कर्ज है तो हो सकता है कि माफ और आपकी बल्ले बल्ले यहाँ पर आ जाएगी। क्या करना होगा वो भी हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो सब कुछ हम आपको यहाँ अब हो गई किसानों की बल्ले बल्ले। यहाँ पर अब किसानों के लिए काफी सारा अपडेट यहाँ पर मोदी सरकार देने वाली है। साथ ही किसानों के लिए जो राशन कार्ड की प्रॉब्लम आ रही थी किसानों के लिए, तो वो भी अब यहाँ पर सही हो जाएगा। काफी सारे किसान भाइयों के राशन कार्ड भी नहीं बने हुए हैं तो वो भी अब यहाँ पर अपडेट हो जाएंगे। और यहाँ पर केसीसी जिन किसान भाइयों ने कर्ज ले रखा है किसी भी बैंक से ले रखा है तो उसके लिए भी यहाँ पे बड़ा अपडेट यहाँ पर आ चुका है। किसान इस योजना के तहत किसान अपना रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, इनका केसीसी कर्ज राज्य सरकार द्वारा माफ किया जाएगा। ऐसे में किसानों के पास में अच्छा खासा अवसर है कर्ज से छुटकारा पाने के लिए। अगर आप अपने कर्ज को इस योजना के में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके लिए यहां पर बड़ा अपडेट निकल कर आ रहा है। किसान भाइयों, किसान की जो आय है यहां पर किसान की आय है सरकार अब उसको डबल करेगी और साथ में ही किसानों के लिए कर्ज माफ योजना भी यहां पर चला सकती है। और जिसमें किसानों का कर्ज माफ होगा सरकार द्वारा समेत आर्थिक रूप से निर्बल किसानों के लिए शुरू की इस योजना में जारी कर सकती है। गरीब और लाचार किसानों का कर्ज माफ होगा इस योजना के अंतर्गत। जिन किसानों की आर्थिक तंग और कारण खेती के कारण जो है क्रेडिट कार्ड से लोन लिया है और इस पर लोन सरकार राज्य सरकार माफ कर रही है और इसमें कर्ज के लिए जो है हासिल कर सकते हैं। किसान भाइयों, काफी बड़ा अपडेट यहां पर निकल कर आ चुका है। लेकिन इस योजना के अंतर्गत किसानों को ही ऋण माफ करने के है और किसी का माफ नहीं होगा, सिर्फ किसानों का ही होगा। उन्होंने अपना आवेदन किया है तो बता दें आपको लाखों किसानों का कर्ज से छुटकारा पा सकते हैं।
अप्लाई करने के लिए जो है इस पे अपडेट भी आ चुका है, और जब भी आप अपडेट करना चाहें तो कर सकते हैं, जिससे आपको यहाँ पर कर्ज माफ हो सकता है। बता दें आपको कि कर्ज माफ की लिस्ट भी अंतर्गत जो है वो जारी कर दी है, और इन किसानों के नाम इस दर्ज में है, यानी जो लिस्ट है उसमें है। राज्य सरकार माफ करने वाली, बता दें आपको लाखों किसानों के लिए लोग जो लोन माफ करवाने हैं आम ऑनलाइन जो है आवेदन भी कर सकते हैं। और यहाँ पर हम आपको बता दें अब तक जो है आवेदन वेरीफाइड भी हो चुके हैं, काफी सारे विभाग में लिस्ट भी जारी कर दी है। बता दें आपको कि उत्तर प्रदेश में लगभग 33,000 से ज्यादा गरीब जो किसान है उनका कर्ज माफ करने के लिए इसी में ऑनलाइन कर सकते हैं। तो आपके लिए हम बता दें किसान भाइयों, इस योजना जो चला रही है सरकार, योजनाएं तो बहुत सारी चला रही है किसानों के लिए, मगर एक योजना है पीएम किसान योजना और दूसरी योजना आती है किसान माफी योजना। इसमें फायदा भी होगा, सरकार द्वारा चलाए जाने वाली इस योजना में बहुत सारा लाभ मिलेगा, जिसमें कुछ नीचे दिए गए यानी किसानों के लिए जो है यहाँ पर काफी सारा छुटकारा मिल सकता है। गरीब व छोटे किसानों को 1,00,000 रुपए तक का लोन माफ हो सकता है। इस योजना में फायदा होने वाले केवल उत्तर प्रदेश के छोटे व सीमित किसान हैं। और यहाँ पर हम आपको बता दें कर्ज माफी योजना में जारी करने के लिए जो है काफी बड़ा जो है यहाँ पर अपडेट किया गया है। तो यहाँ पर हम आपको बता दें किसान भाइयों, अगर आप अपना कर्ज आपके पास भी है और उसको माफ करवाना चाहते हैं तो ये जल्दी योजना चालू हो जाएगी, जिससे किसानों को काफी सारा बेनिफिट यहाँ पर मिल सकता है। जैसे हम आपको बता दें, जैसे पीएम किसान सम्मान निधि योजना में किसानों को हर साल 6,000 रुपए दिए जाते हैं, तो उसी प्रकार से अब जो है किसानों का कर्ज भी है हो सकता है माफ, जिसमें किसानों को काफी जो है वो सहायता यहाँ पर मिल सकती है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं, जिसमें पहले शुरू में ही उन्होंने किसानों के लिए लिया बड़ा फैसला, जबकि पीएम किसान सम्मान निधि योजना की किस्त की वो जारी करने की अनुमति दे दी। अब दूसरा बड़ा फैसला निकल कर आ रहा है, किसान भाई का कर्ज माफ होगा। हो सकता है कि किसानों का कर्ज माफ होगा, यहाँ पर सबसे बड़ा फैसला जो लिया गया था वो पीएम किसान सम्मान निधि योजना की जो राशि थी उसको लेकर लिया गया था। यहाँ पर 9.3 करोड़ किसान भाइयों को 20,000 करोड़ रुपए की राशि थी वो यहाँ पर ट्रांसफर कर दी थी। अब यहाँ पर बात आती है किसानों के कर्ज को लेकर, तो यहाँ पर बड़ा अपडेट किसान भाइयों को लेकर आ रहा है कि किसानों का होगा कर्ज माफ। यहाँ से 2 से 3 लाख रुपए तक का जो कर्ज है वो यहाँ पर माफ होगा और किसानों को काफी सारी सहूलत मिलेगी। यहाँ पर हम आपको बता दें किसान भाइयों, जैसे ही यहाँ पर किसानों के खाते में 2,000 रुपए की रकम आना स्टार्ट हुई, और यहाँ पर दूसरा बड़ा फैसला और सरकार ने ले लिया है, अब किसानों का हो सकता है यहाँ पर कर्ज माफ, और जिसमें 2 से 3 लाख रुपए तक का कर्ज अगर किसान पे है तो वो माफ हो जाएगा। और यहाँ पर बड़ा फैसला, और ये जो कर्ज है वो सभी राज्यों में हो सकता है माफ, जो जो किसान भाइयों ने यहाँ पर कर्ज लिया है। काफी सारे किसान भाई यहाँ पर परेशान है और उनको किसानों के लिए सरकार का बड़ा ऐलान, यहाँ पर हो सकता है किसानों को बहुत बड़ा सम्मान। प्रधानमंत्री आवास योजना का बेनिफिट अब किसानों को यहाँ पर मिलने वाला है, जो भी पात्र किसान है उनके लिए बड़ा अपडेट यहाँ पर आ चुका है। किसान भाइयों, पीएम किसान योजना की 18वीं किस्त को लेकर आ गई खुश खबरें। जिस दिन आएगी 18वीं किस्त, ऐसे जाकर चेक करें। 3 HP से 10 HP सोलर पंप की कीमतों में कम, योजना का लाभ यहां पर उठा सकते हैं किसान भाई। और बड़ा बेनिफिट, सोलर ऊर्जा को डीसी और एसी को प्रकाश को मोटर लगाई जाती है, जिसके प्रकाश हुए कीमतों में काफी बदलाव किया गया है, और जिससे खेतों की सिंचाई कर सकते हैं। यहां पर बड़ा अपडेट आ गया है, अगर आप अपडेट करना चाहते हैं तो जल्द से जल्द जाकर बुक कर सकते हैं। 15 अगस्त से पहले सरकार बड़ा फैसला माफ कर सकती है किसानों का कर्ज माफ। 15 अगस्त से पहले किसान भाई आपका बड़ा अपडेट। अब जमीन की बनेगा आधार कार्ड, भू आधार का सत्यापन नहीं करते हैं तो आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ नहीं मिलेगा। यहाँ पर हम आपको बता दें केंद्र सरकार की बजट में 2024 में इस योजना के तहत ग्रामीण व शहरी का जो सत्यापन है वो यहाँ पर होगा डिजिटल तरीके जो है यहाँ पर बनने वाला है आधार कार्ड, यानी जमीन का आधार कार्ड। यहाँ पर बता दें राशन कार्ड को धारकों को नहीं मिलेगा राशन, 15 तक जो है वो कर ले KYC, नहीं तो मिलेगा आपको लाभ। यहाँ पर जल्दी ही आने वाली है 18वीं इंस्टॉलमेंट डेट, इन किसान को मिलेंगे 4,000 रुपए, नोटिस जारी, जल्दी से जल्द चेक करें। यहाँ पर हम आपको बता दें KCC वालों के किसानों के लिए बड़ा
यहाँ पर लिस्ट करी गई जारी, आप नाम चेक करें। राशन कार्ड धारकों के लिए खुशखबरी, एक महीने को जोड़ने के लिए। तो इन सब अपडेटों के बारे में मैं आज आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ, तो आप मेरे साथ में बने रहिएगा। किसान भाइयों, वैसे तो पीएम किसान सम्मान निधि योजना में काफी बड़े बड़े अपडेट यहां पर आ चुके हैं। यहां पर पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 18वीं इंस्टॉलमेंट और साथ में ही प्रधानमंत्री आवास योजना का बेनिफिट भी आपको यहां पर मिलने वाला है। पीएम किसान योजना की 18वीं इंस्टॉलमेंट किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी, इस तारीख को आएगी 18वीं किस्त, कभी भी कर सकते हैं पीएम मोदी ऐलान। 3 HP से 10 HP का पेट्रोल पंप, यानी जो पंप है आप लेना चाहते हैं तो उसको भी बड़ा अपडेट है। यहाँ पे 60% का डिस्काउंट आपको दिया जाएगा और जिसमें आपको AC और नॉन AC दोनों रहेंगे, जिससे आप अपने खेतों की सिंचाई में प्रयोग कर सकते हैं। बड़ा अपडेट यहाँ पर निकल कर आ गया है। 15 अगस्त से पहले की सरकार कर सकती है बड़ा ऐलान और हो सकता है किसानों का कर्ज माफ, यानी 2 लाख रुपए तक का कर्ज जो होगा वो यहाँ पर माफ हो सकता है। अब यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेना चाहते हैं या ले रहे हैं, तो दिसंबर से पहले पहले आप अपना किसान रजिस्ट्री जरूर करा लें। ये रजिस्ट्री इस प्रकार की होगी कि अब आपको एक प्रकार का आप आधार कार्ड मान सकते हैं, जो कि आपकी जमीन का होगा, क्योंकि जितनी भी जमीन आपकी होगी उसके अंदर डिटेल्स होंगी। अगर वो डिटेल्स आप नहीं कराना चाहते तो आपको यहाँ पर पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसा नहीं दिया जाएगा। इतनी जल्दी आ सकती है 18वीं इंस्टॉलमेंट का पैसा। अगर आप इंस्टॉलमेंट लेना चाहते हैं तो आपको अपनी किसान रजिस्ट्री करवाना अनिवार्य है। जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा, कुछ समय पहले सरकार ने एक अपडेट निकाला था जिसका नाम था EKYC, तो उसके बाद में एक बार उसको इंस्टॉलमेंट मिली थी, बाद में इंस्टॉलमेंट का पैसा होल्ड कर दिया गया था। तो इसी प्रकार से अगर आप किसान रजिस्ट्री नहीं कराते हैं तो आपको यहां पर पैसा नहीं मिलेगा। तो काफी बड़े बड़े अपडेट यहां पर आ चुके हैं। सारे अपडेटों के बारे में मैं आपको बारी बारी बताऊंगा, लेके 18वीं इंस्टॉलमेंट से EKYC, लैंड शीडिंग, आधार शीडिंग, या फिर और कोई समस्या है जिसकी वजह से आपको पैसा नहीं मिल रहा है, या फिर सरकार जो योजनाएं चला रही है उसमें आपको यहां पर लाभ नहीं मिल रहा है, तो सब कुछ आपको मैं यहां पर बताने वाला हूं। तो किसान भाइयों, बड़ा अपडेट यहां पर यही निकल के आ रहे हैं कि सरकार द्वारा चलाई गई योजनाओं को जो किसान भाई हैं उन तक पहुंचाना, और यहां पर सबसे बड़ा अपडेट है, बहुत से करोड़ों किसान भाई ऐसे हैं जिनको अभी तक पीएम किसान योजना या फिर सौर ऊर्जा या फिर आपका जो आवास योजना होता है इसका, या फिर यहां पर जो शौचालय है उसकी भी सूची यहां पर आ गई है। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो फटाक से जाकर रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा, क्योंकि यहां पर भी आपको 10,000 से 20,000 रुपए मिल सकते हैं। अगर आपने रजिस्ट्रेशन किया है तब आपको यहां पर पैसा आपके बैंक खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो काफी बड़ा अपडेट यहां पर आ चुका है। योजना की घोषणा करते हुए ग्रामीण और शहरी दोनों के लिए यहाँ पर वो है डिजिटल जो आपका कार्ड है, यानी जमीन का, वो आपका यहाँ पर बनाया जाएगा। जैसे आधार कार्ड है उसी प्रकार से आपकी किसान का भी, जो किसान की जमीन है उसका आधार कार्ड बनाया जाएगा, जिससे आपको या फिर कोई भी चेक करे तो जल्द से जल्द जाकर चेक कर सके। तो बड़ा अपडेट यहाँ पर निकल कर आ गया है। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की जो लास्ट डेट है वो आपको 15 अगस्त 2024 तक है। अगर आपने नहीं किया है तो आप जाकर करवा सकते हैं। सभी किसान भाइयों का, जिन किसान भाइयों ने KCC ले रखा है, तो उनका 2 लाख रुपए तक का कर्ज यहाँ पर हो सकता है माफ, और किसानों को हुई बल्ले बल्ले। यहाँ पर 2 किलोवाट का सौर ऊर्जा पंप अगर आप लेना चाहते हैं, घर पे लगाना चाहते हैं, यानी अपनी बिजली को बचाना चाहते हैं, तो 90% सब्सिडी के साथ में यहाँ पर मिल सकता है। जल्द से जल्द जाकर आप अप्लाई भी कर सकते हैं, नहीं तो आप मेरे को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बताइएगा आपको कौन सा जो सौर ऊर्जा है वो आपको चाहिए, या फिर जिस योजना का लाभ नहीं मिल रहा है तो उसका भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, जिससे मैं आपका जो लाभ है वो आपको यहाँ पर मिल सके। तो यहाँ पर काफी बड़े अपडेट यहाँ पर निकल कर आ गए हैं। किसान भाइयों, अगर आप किसान हैं और पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेना चाह रहे हैं, या फिर आप किसान KCC का लाभ लेना चाह रहे हैं, बीमा का जो लाभ है वो आपको नहीं मिल रहा है, यानी जो भी लाभ है सरकार द्वारा चलाई गई जो योजनाएं हैं उनमें से अगर किसी का भी लाभ आपको नहीं मिल रहा है, तो उसका लाभ आपको यहाँ पर मिलेगा। आप हमें कमेंट कीजिएगा, हम आपकी यहाँ पर फुल हेल्प करने के लिए भी तैयार रहेंगे। तो किसान भाइयों,
अब यहाँ पर जमीन का यानी अब सरकार जो है वो जमीन पे बहुत गौर कर रही है, जिससे आपको अपनी किसान की जो आईडी है वो आपको जरूर बनवा लेनी है, यानी किसान रजिस्ट्री जरूर करा लेनी है। अगर आप नहीं कराते हैं बाई चांस आप रह जाते हैं तो आप अपने नजदीकी कृषि विभाग में जाकर भी बनवा सकते हैं। आपको वहाँ पर एक डॉक्यूमेंटों की जरूरत पड़ेगी, जैसे खतौनी, आधार कार्ड और बैंक की कॉपी, ये तीनों को आपको लेके जाना ही है। और साथ में जो लेखपाल होंगे वो उसको वेरीफाइड करेंगे और कृषि विभाग के होंगे उसको अप्रूव कर देंगे, तो आपका कार्ड 15-1 महीने में बनकर तैयार हो जाएगा और आपके घर पर डिलीवरी कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार का जो है वो आपको बनवाना ही बनवाना है। अगर आप नहीं बनवाते हैं तो आपको यहाँ पर लाभ नहीं दिया जाएगा। और यहाँ पर बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि आप राशन कार्ड धारक हैं तो यहाँ पर बड़ी खुशखबरी हो सकती है, और नया मेंबर जोड़ना चाहते हैं तो आप जनसेवा केंद्र पर जाइएगा और वहाँ से जाकर आप अपडेट भी करवा सकते हैं, या फिर नया राशन कार्ड बनवाना चाहे तो वो भी आप यहाँ पर बनवा सकते हैं। किसानों के लिए सरकार ने बड़ा ऐलान यहाँ पर कर दिया है। और जो भी आपकी समस्याएं आ रही हैं, पहले क्या था कि आपको ऑनलाइन करवाना के लिए तहसील या फिर कहीं पे भी जाना पड़ता था, अब आप जनसेवा केंद्र से भी जाकर भी करवा सकते हैं। नहीं तो आपके ग्राम में जो है जिस ग्राम विकास भवन होगा वहां पर जाइएगा, वहां पर कोई ना कोई अधिकारी बैठा होगा और उससे आप जाकर मिलेंगे तो भी आप अपना यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो काफ़ी बड़े अपडेट यहाँ पर आ चुके हैं। अगर आपके मन में कोई कंफ्यूजन या फिर कोई भी ऐसी बात है जो कि आप नहीं कह पा रहे हैं तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, हम आपके यहाँ पर हेल्प करेंगे।